सामने खड़े हुए विनती करते हैं, न दोष में हम स्वाखिल है तुहे तुम नारायणम पुरुषम आगम वयम यन्नाभिजाता दरविंद कोशा ब्रह्मा विरासी यतये सलोका। हे प्रभु, आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर को नमन नमन वंदन अभिनंदन करता प्रणाम की। अक्रूर जी को रथ पर बिठा करके ले करके जब मथुरा नगरी में पहुंचे भगवान, जो कंस का अत्यधिक गृह वहां निवास करते हैं। अब भगवान एक रात्रि विश्राम के, दूसरे दिन सुबह हुई, अक्रूर जी अपने घर गए। दूसरे दिन जब सुबह होती है तब भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों का सहारा लेते हैं, क्योंकि नंद जी के साथ कुछ गोप बालक भी आए थे। तो जैसे राम जी ने लक्ष्मण जी का सहारा लिया था कि नाथ लखन पुर देखन चाहें, वैसे ही सहारा भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों का लेते हैं कि बाबा एक गोप बालक मथुरा को देखना चाहते हैं, अगर आपका आदेश हो तो सबको मथुरा दिखा करके लेकर के आ जाओ। नंद जी ने कहा, लाला ये अपनी गोकुल नगरी नहीं है, मथुरा है कंस की, और यहाँ जरा से भी उद्दंडता करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जाने के लिए रोकूंगा नहीं, लेकिन सीधी रास्ते जाना और सबको दिखा करके लौट करके चले आना। सस्ते में ही आदेश मिल गया। कन्हैया ने कहा, बस बस बाबा चिंता मत करो, यूं गया लौट करके आ जाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे भाइयों को बालकों को साथ में लिए चल पड़े। अब भगवान जब उस मथुरा की राजनगरी में प्रवेश करते हैं और जब लोगों ने सुना कि ताम अभिष्टो वसुदेव नंदनो, वसुदेव नंदन ये दोनों जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं तो द्रष्टुम उनको देखने के लिए पूरा मथुरा के वासी सब अपने अपने घरों से निकल करके चौराहे पर आ गए, सड़क पर आ जाते हैं। तब आपस में कहते हैं, देखो ये वही बालक हैं जिनको मारने के लिए कंस ने बुलाया है, और जो भगवान का दर्शन नहीं कर पाती हैं, घर की जो बहुएं हैं प्रसाद शिखरा रूढ़ा घर की छत की अट्टालिकाओं पर चढ़ जाती हैं, वहां से भगवान का दर्शन करती हैं। चारों तरफ मथुरा में यही स्वर है कि सखी गली गली घूमे लबीदी के किशोर, सखी गली गली घूमे लबीदी के किशोर, इनका देखे खातिर मथुरा में माचल जयकार मची, सब भगवान को दर्शन करने के लिए। तब तक भगवान राजमार्ग से चले जा रहे थे, अचानक भगवान की दृष्टि पड़ी। रजकम संचित आयातम रंग तारम गदाग्रह, एक रजक एक धोबी कपड़े का गट्ठर लेकर के आ रहा था, और भगवान ने जब उसको देखा तो दृष्टा देखते हैं, लेकिन ये क्या यातन वासांशी, यात्र तो वासांशी, भगवान वस्त्र की मांग की याचना करते हैं, भाई ये सुंदर वस्त्र लेकर के जा रहे हो, इसमें से एक दो वस्त्र हम लोगों को भी दे दो।
तो धोबी बोला संत का धोबी है, हमारे राजा के हाथ मरने से पहले मेरे हाथ क्यों मरना चाहते हो बालक? भगवान ने बलराम जी की तरफ देखा, भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि बात कुछ गर्म मिजाज से कर रहा है। बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना, जो इच्छा हो करो। तो भगवान को अस्त्र नहीं उठाया, उठाना पड़ा। करते क्या है, रजतस्य कर अग्रिणो शिरः पायात पादयतो, हाथ के अग्रभाग से ही भगवान ने प्रहार किया, उसका सिर कट करके जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत तो भगवान गठरी खोले, सारे बालकों को एक एक वस्त्र दिया, स्वयं भी एक वस्त्र पहने और बलराम जी भी एक वस्त्र पहने। ऐसे वस्त्रों को पहन करके जब चलने लगे तो बड़े लोगों का वस्त्र बड़ा बेटर है, कोई इधर लंबा कोई उधर लंबा। कुछ ही दूर भगवान आगे गए तो एक बायक नाम का दर्जी था, ततस्तु बायक पीतस, एक बायक नाम का दर्जी है, और ये जैसे देखा तो तुरंत सारे बच्चों को अपने घर में लेकर के गया, चार पांच और दर्जियों को बुलाया, वस्त्र को काट छांट करके बढ़िया सबके आकार का किया, सब वस्त्र को पहन लिए। और जब वस्त्र पहन करके भगवान ने आशीर्वाद देकर के आगे बढ़े तो सुदामा ने कहा भैया वस्त्र तो मिल गया, अगर माला मिल जाता तो और आनंद आ जाता। यही है कि जब कोई वस्तु मिलने लगती है तो इच्छा बढ़ने लगती है। आज तक गोकुल में जब तक भगवान से सिला हुआ वस्त्र नहीं पहने, तो आज जब सिला हुआ वस्त्र बालकों को मिला पहनने के लिए, तो पहली बार जब वस्त्र पाए तो इन लोगों ने विचार किया माला भी हो जाती तो और बढ़िया था। भगवान ने कहा भाई देखो हो सकता है कि व्यवस्था हो जाए। तो जैसे ही कुछ दूर निकले तो भगवान ने क्या देखा, ततः सुदामनो भवनस्य माला तारस्य जगमतु, माला तार कहते माली को, नाम है सुदामा, एक सुदामा नाम का माली, जैसे उसका घर दिखाई पड़ा भगवान आगे से निकले, माली घर से बाहर आया, भगवान के साथ बलराम जी के साथ सभी बच्चों के गले में एक एक माला डाल दिया, नारायण भगवान ने आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े। तब तक किसी मित्र ने कहा कन्हैया वस्त्र भी मिल गया माला भी मिल गई मस्तक खाली है, अगर चंदन मिल जाता तो आनंद आ जाता। भगवान ने कहा हो सकता है कि व्यवस्था वो भी हो जाए। तब तक भगवान की दृष्टि पड़ी जो मथुरा का राजपथ है, अथ वदन राजपतेन माधवा स्त्रियम धीतांग विलेप भाजनम, उसी मथुरा के राजपथ पर एक युवती जो कई जगह से टेढ़ी है, कई जगह से टेढ़ी है, हाथ में सूटकी लेकर के बढ़िया चंदन की कटोरी लेकर के चली आ रही थी और मन में बड़ा सुंदर गीत गा रही थी कि कुबरी निहंग रास्ता आनी करने लगे। पूजा पर कृपा करने के लिए हंसते ही भगवान ने पूछा सुंदरी तुम कौन हो, एक चंदन किसके लिए लेकर के जा रही हो, कल्याणी सब सब तक मुझे बताओ। और जब भगवान ने सुंदरी कहा तो बिगड़ गई, ब्रह्मा ने सारे कुरूप को जोड़ जाल मुझको बनाया है, तीन जगह के टेढ़ी हूं इसी से नाम उपजा है और तुमको सुंदरी लगती हूँ। भगवान ने कहा जो आंख से दिखाई पड़ रहा है वही तो कहूंगा। तुरंत भगवान आगे बढ़े, अपने पैर से उसके पैर को दबाए और चिबुक पर अंगूठे को लगा करके भगवान ने खींचा, सर्वांग सुंदरी हो गई। और जब अंग प्रत्यंग सुंदर हो गए तो तुरंत चंद्र भगवान के मस्तक पर, बलराम जी के मस्तक पर, सारे गोपों के मस्तक पर लगाया और प्रणाम करके और उसके बाद वापस लौट करके चले गए। फिर लौट करके कंस के पास नहीं गए, चंदन भी मिल गया माला भी मिल गई बढ़िया वस्त्र भी मिला। अब भगवान वहां से गांव के लोगों से पूछते हुए, तथा पौराण क्षमान धनुष स्थान अच्युता, मथुरा पुरी के लोगों से पूछते हुए धनुष स्थान जहाँ है उस तरफ भगवान चलने लगे। जैसे जनकपुर में कि पूरी पूरा दिशी दे तो भाई
दोनों भाई मिलकर के हाथी का उद्धार किए, हाथी दंत को उखाड़ करके एक दातो मूर्तिमान गोपाल नाम से जनो साथ कोई स्त्री बैठी है, मन में काम भाव है तो साक्षात कामदेव की मूर्ति, वृद्ध व्यक्ति है तो भगवान छोटे से बालक दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जैसे राम जी को लोगों ने देखा था कि जाकी रही भाव को अपने हाथ में, और जब उठाए और ऊपर से नीचे फेंक दिया, उठाकर के ऊपर फेंका, जैसे नीचे कंस को फेंकते हैं तो तस्यो परिस्तात स्वयं अब्जनाभा, भगवान कंस सिंहासन के ऊपर से ही कंस के ऊपर स्वयं कूदे, और जैसे भगवान कूदे वैसे ही कंस के प्राण पखेरु निकल गए प्रेम को वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवत कृपा से कंस का उद्धार हुआ, आप सबका बड़ा अस्नेह आशीर्वाद मिलता रहा छह दिनों से, एक दिन की कथा और है कल की, कथा तो भगवान कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन कल एक दिन का अवसर और है, कल सुदामा चरित्र और भगवान के अन्य अन्य विवाहों की चर्चा होगी, और विवाह की खूब बढ़िया तैयारी किए हैं ये मेरे भैया शिव प्रताप पाठक जी, रामेश्वर प्रसाद पाठक जी, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं घर के इस चारों भाइयों के सब मिल करके इतनी बढ़िया तैयारी किए हैं भैया, भगवान के ताई घोड़ा उड़ा तय किए हैं, गोला तमाशा फूल लेके आए हैं, बढ़िया बरात आए बिहान, और कल बढ़िया सुंदर भगवान का विवाह होगा, आप सब जैसे आज तक आते हैं वैसे एक दिन का अवसर और दीजिएगा, प्रेम चलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। Bye.
शनि मार्ग बताने जग पंथ खोल शनि मार्ग बताने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल शनि मार्ग बताने वाला शनि मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला शनि मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला प्रभु रघुनायक सुरति कराय मोर पवन सुत हनुमान की जय अयोध्या धाम की जय मैया की जय जगन्नाथ स्वामी की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय अपने अपने माता पिता की जय 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 श्री सीता अपने अपने स्थान पर यथानुचित आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भाइयों आप सभी लोग आप सब बैठ जाएं। प्रसाद वितरण होने के बाद कोई भी हमारा साथी हमारा भाई हमारी माताएं बहनें जो भी आए हुए हैं सब आप सब का बहुत ही सहयोग है। मेरे सभी साथी सभी भाइयों बना रहे फूल तया अधिकम पनीते तू बयसी इदानीं चिन्मातस तव यदि कृपा नापि भविता निराति मधुपाकोपम गिरा निरातंको रंको बिहरति चिरं कोटि कनकयाने त्वादि नारार्ति हरे जय ऋखिद स्वामरुता सीमाक्ष वर्यजत्रा स्थिरैरंगै सिद्धायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रान्नश्चक्राजर्षं तनूनाम् पुत्राशो जत्रपितरो भवन्ति मानो मन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तये नमः। श्रीमन महांगलाधिपतये देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः अस्थान देवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः निर्विघ्नमस्तु श्रीमन महांगलाधिपतये नमः। हस्तक्षतंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो यः पठे श्रुणुयादपि विद्यारभ्य मे तथा संग्रामे संकटे चैव शुक्लाम्बरधरं देवं शशीवरणं चतुर्भुजं गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गोऽस्तु ते सर्वदालं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः तदेव।
लग्नम सुदिनम चंद्रबलम तदेव विद्यावलम देव बलम तदेव लक्ष्मी तेषाम पराजयः ईशावन्दी वृष्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र स्त्रीजयो भूतिर् दुर्वाणी त्रिमतिर्मम ताः देवादिशं पुनः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विनायकं गुरुमानं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वती प्रणौमि आदौ सह ब्रह्मणो वैद्युते प्राधेश्वी वारह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पथम चंडे जम्बोदीपे भारतखंडे आर्यावर्ते शांतर्गते विक्रमक्षमे बौद्धावतारी अवधप्रांते फैजाबाद मंडल अंतर्गत पुरग्राम नामक स्थाने मासा नाम मासोत्तमे महामांग्याम तिथौ भौमवार वासरे प्रातः कालीन समये शर्मा सा पत्नीक श्री शिवप्रताप शर्मा सा पत्नीक चतुर्दिक धर्मयात तापत्रय तदुपरांत श्रीमद भागवत सप्ताह यज्ञ पारायण समय आत्मनः स्मृत विस्मृत प्राणोक्त पूर्णफल